नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम। देश में कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1007 नए मामले सामने आए हैं, वही 23 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 13,387 के पार पहुंचा है, जिसमें 11,201 सक्रिय मामले हैं। वही मरने वालों का आंकड़ा 437 है और अब तक 1,749 लोग ठीक हो चुके हैं। मुंबई में 2,000 के पार कर चुका है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का और धरावी में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 100 के पार। मुंब्रा की अगर बात करें तो कल तक की रिपोर्ट 18 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ लोगों को कोरोना के संदेह में लेकर गए थे हेल्थ डिपार्टमेंट, जो उनकी टेस्ट की जांच की, उसके बाद उन्हें नेगेटिव पाया गया। वो नेगेटिव निकले, उन्हें वापस लाकर छोड़ दिया गया। ऐसे कई जगहों से शक के संदेह में लेकर गए थे और वापस लाकर छोड़ा गया। कुछ लोगों ने प्रहार टाइम्स में फोन करके पूछते हैं, सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर अक्सर कोरोना पॉजिटिव की न्यूज़ें चलाकर डरा देते हैं, लेकिन जो लोग अच्छे होकर आ रहे हैं या फिर जो लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आता है तो उसके बारे में बताते क्यों नहीं है। तो हम उनको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये चारों लोग कौसा के रहने वाले हैं, इन्हें वापस लाकर छोड़ा गया है क्योंकि इनका रिपोर्ट निगेटिव निकला है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें लाकर छोड़ा गया है वापस। बहरहाल मुंबई महाराष्ट्र में आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। हम आपको कोरोना से जुड़े लोगों की मौत और उसे दफनाने के लिए कितनी जद्दोजहद और जिसकी कोरोना से मौत हो रही है, चाहे वो हिंदू समाज हो या फिर मुस्लिम समाज से हो, उसके लिए कौन आगे आता है, आपको हम वीडियो दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको ये भी बता दें, कोरोना से मरने वाले के घर वालों ने ना तो आखिरी दीदार कर सकते हैं और ना ही साथ जा सकते हैं और ना वो अपने हाथों से दफना सकते हैं। सिर्फ वही लोग मैयत को दफना रहे हैं जो डॉक्टर हैं। यही नहीं, कब्रों में दफनाने के वक्त जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। मेरी आप लोगों से विनती है, आप लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, घर में रहकर जंग लड़ें। कोरोना किसी को नहीं पहचानता। आप देखिए, अब तक कई वीडियो इसी तरह से सामने आई है, लेकिन ये वीडियो दिखाकर आपको डराना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि आपको सतर्क होना है, सावधान होना है, सुरक्षित रहना है। सरकार, शासन प्रशासन आपको बार बार अपील कर रही है। यहाँ तक आपने देखा होगा, बिना वजह के पुलिस पहले लॉकडाउन के बीच सड़कों पर निकलने वालों पर लाठियां बरसाई, फिर प्यार से हाथ जोड़कर अपील कर रही है। जो लोग इससे पीड़ित हुए हैं उनसे पूछिए उन पे क्या बीत रही है। इसीलिए आपको हमने वो वीडियो दिखाया है। अभी हाल ही में कोरोना से मरने वाले एक शख्स को दफनाया गया और उसके बाद क्या कहा, आप पहले सुनिए। भाई, क्वारंटाइन की बॉडी है, COVID-19 की। भाई, जनाजा नमाज भी बराबर से पढ़ा ही नहीं पाए यार। भाई मेहरबानी करके घर में रहिए। या हाजी अलीम ने छठी बॉडी यहाँ लेके आए मेरा भाई, प्लीज़ यार, सब संभालो अपने आप को यार। भाई जनाजा नमाज भी बराबर नहीं हो रही, ना घर वाले आके बॉडी को दफना पा रहे। BMC से आए और ये साबिर है जो खड़ा है, माशाल्लाह काम कर रहा है यार। ध्यान दीजिए भाई, सबके लिए प्रिकॉशन कर चालू हो। ये अभी बॉडी दफना है कोरोना के पेशेंट की, और दफना के अभी पूरा भार आए, वो साबिर है और वो भाई है, सैनिटाइजर कर रहे हैं, है ना भाई। हाजी अलीम साहब, ये लोग आए थे अभी इन बॉडी के साथ, उन्होंने लेके आए, ये पांचवी बॉडी है भाई। अल्लाह अल्लाह से दुआ करो भाई कि अल्लाह ये बीमारी को जल्द से जल्द उठा देवे, और अल्लाह के वास्ते कोई घर से बाहर मत निकलो भाई। बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। जनाजे की नमाज भी भाई एम्बुलेंस के अंदर बॉडी थी और बाहर खड़े रह के पड़ा है भाई। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते भाई, इत्तेहाद। 10 एक थाली, कोई चेहरा भी नहीं दिखा रहे भाई घर वालों का, और घर वाले भी नहीं आ रहे नजदीक भाई। तो समझो जरा बात को, और अल्लाह के वास्ते घर से मत निकलो भाई। देखो ये देखो, एक बात और हम आपको बता दें, अभी हाल ही में आपने सुना है मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कार्यरत 4 पुलिस अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, और अब और 2 पुलिस स्टेशन में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पुलिस की संख्या बढ़ती जा रही है, कुल मिलाकर 3 पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है कोरोना। हर दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं, सैकड़ों पुलिस कर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। पुलिस कमिश्नर भी बार बार अपील कर रहे हैं, आप लोग घर में रहें,
अकड़ मत दिखाओ, ये दौर अकड़ दिखाने की नहीं है, ये दौर है चार दीवारी में छुपने की। तो इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।